सामने आई सिविल अस्पताल की गंभीर लापरवाही, नवजात की गर्भ नाल काटकर कैंची छोड़ी, बच्चे के रोने पर मां ने देखी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ऐसी लापरवाही करने वाले डॉक्टर ध्यान दें। एमपी के दमोह जिले में सिविल अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां नर्सिंग स्टाफ ने नवजात बच्चे की गर्भनाल काटने के बाद उसी के साथ कैंची फंसी हुई छोड़ दी। बच्चे के लगातार रोने पर परिवार वालों ने कपड़ा हटाकर देखा तो इस लापरवाही का पता चला, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से इसकी शिकायत की। ग्राम मानपुरा निवासी राम गोपाल लोधी ने अपनी पत्नी रेखा लोधी को 29 जनवरी को प्रसव पीड़ा होने पर हटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था। शिकायत के बाद प्रबंधन ने 31 जनवरी को परिजनों को अस्पताल बुलाकर कैंची निकाली। हो गया था बाथरूम में प्रसव। रेखा को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने महिला की डिलीवरी होने में समय बताया। इसी बीच वो बाथरूम गई। वहां दोपहर करीब 1:30 बजे उसे बाथरूम में ही प्रसव हो गया। सूचना पर वहां मौजूद स्टाफ गर्भवती को वार्ड ले आए। यहां नर्स ने नवजात का गर्भनाल कैंची से काटा और कैंची गर्भनाल में ही फंसी छोड़ दी। नवजात को कपड़े में लपेट दिया गया। इसके बाद प्रसूता और नवजात की छुट्टी कर शाम को घर भेज दिया गया। घर पर बच्चे के रोने पर परिवार वालों ने देखा तो नवजात की गर्भनाल में कैंची लटक रही थी। उन्होंने तुरंत मामले की सूचना आशा कार्यकर्ता को दी। कार्यकर्ता ने अस्पताल में सूचना दी। इसके बाद प्रसूता को अस्पताल बुलाया गया और कैंची को निकाला गया। अब इन डॉक्टरों की लापरवाही पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पिता ने की एसडीएम से अस्पताल की शिकायत। प्रसूता के पति राम गोपाल लोधी ने बताया कि 29 जनवरी को पत्नी का प्रसव सिविल अस्पताल में हुआ था। अस्पताल के स्टाफ ने लापरवाही करते हुए बच्चे की गर्भनाल में कैंची फंसी हुई छोड़ दी। राम गोपाल ने मामले में हटा एसडीएम को शिकायत का आवेदन दिया है। मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति दिलाने और लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। अब जानते हैं दूसरी खबर। छतरपुर में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, परिजनों का आरोप डॉक्टरों की लापरवाही और समय से इलाज न मिलने से हुई मौत। छतरपुर की मऊ निवासी महिला को डिलीवरी के लिए बीती रात 2 बजे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन डिलीवरी के बाद सुबह महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। ऐसे डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी के अनुसार मऊ निवासी विनीता तिवारी पति ब्रजेश तिवारी 30 वर्षीय ने रात करीब 2 बजे बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद से ही महिला की हालत बिगड़ने लगी। महिला के परिजन अस्पताल में डॉक्टरों को फोन लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं आने के कारण महिला की सुबह करीब 6 बजे मौत हो गई। अगर महिला को समय से इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। आपको बता दें कि आए दिन जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते डिलीवरी वाली महिलाओं और मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल पाता, जिससे उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टरों पर आरोप के मामले में जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर आरपी गुप्ता ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि डॉक्टरों की लापरवाही से कुछ हुआ है। प्रसव दोपहर को सुरक्षित हुआ था, सुबह स्वास्थ्य खराब हुआ और मौत हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी आरोप है तो जांच करेंगे, पीएम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो जाएगा। इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे इन परिजनों को न्याय मिल सके। अब जानते हैं तीसरा इंसिडेंट। डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत, मेडिकल लाइसेंस हुआ रद्द। ऐसे डॉक्टर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। महावारी में उठे पेट दर्द और ब्लीडिंग होने के कारण सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंची गार्गी मीणा 42 वर्षीय की इलाज में लापरवाही की गई और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इसके लिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल डीएमसी ने सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर निशा जैन को इलाज में लापरवाही का दोषी ठहराया और 1 महीने के लिए उनका लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही डॉक्टर को अपनी दक्षता यानी कि चिकित्सा शिक्षा बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। पीड़िता के पति उत्तम चंद मीणा ने बताया कि सरोज अस्पताल के डॉक्टर ने ऑपरेशन में गलती की थी, इसीलिए मैं FIR दर्ज करवाने के बाद रोहिणी कोर्ट में केस करने चला गया और उसके बाद कोर्ट ने इस मामले को डीएमसी में स्थानांतरित करके जांच के निर्देश दिए थे। वहीं डीएमसी 1 जून 2020 को दिए गए अपने आदेश में कहा कि गर्गी मीणा की पेट में दर्द होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराई गई थी और डॉक्टर निशा जैन ने 29 मार्च 2018 को ऑपरेशन किया, लेकिन इलाज में लापरवाही और नैतिकता से पेश ना आने के कारण मरीज की मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने डीएमसी को दिए जवाब में इलाज में लापरवाही से इनकार किया है। इसके साथ ही अस्पताल के डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर ग्रीस मनवानी को चेतावनी दी है, क्योंकि मरीज की देखभाल में कमी रही और कई तरह के तथ्यों को नजरअंदाज किया गया था। डॉक्टरों की ऐसी लापरवाही से कितने लोगों की जान जाती है ये शायद नहीं समझते हैं ये लोग। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
उत्तम चंद मीणा का कहना है कि डॉक्टर ने हमसे सिर्फ पूछा था कि फाइब्रॉइड निकालना है या पूरा यूट्रस निकालना है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर मैं यूट्रस हटाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। वहीं डॉक्टर की तरफ से ऑपरेशन के दौरान भारी चूक हो गई है, जिसके कारण मरीज की स्थिति खराब होने लगी और उचित देखभाल नहीं किया गया। मेडिकल स्टाफ ने मरीज को दवाई और देखभाल में लापरवाही बरती, जिसके कारण मेरी पत्नी की 31 मार्च 2018 को मौत हो गई और इतनी बड़ी लापरवाही के लिए एक माह के लिए लाइसेंस निलंबित हुआ। ऐसे में और आगे शिकायत दर्ज करूंगा। बिहार की खबर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर में डॉक्टर पर विश्वास कैसे करें। अस्पताल की लापरवाही से 15 साल की किशोरी की मौत। डॉक्टर ने कहा, गलती हमारी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिहार में नालंदा जिले के सदर अस्पताल की घोर लापरवाही उजागर हुई है। यहां अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक 15 वर्षीय किशोरी की डायरिया से तड़पकर मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि बच्ची का इलाज सही ढंग से नहीं किया गया और इतना ही नहीं, उसकी मौत के बाद एम्बुलेंस व स्ट्रेचर भी नहीं दिया गया, जिसके कारण पिता को बेटी के शव को गोद में लेकर एम्बुलेंस तक ले जाने को मजबूर होना पड़ा। पिता ने रोते हुए बताया कि बेटी का शव गोद में लेकर गया, लेकिन इस दौरान एक भी स्वास्थ्य कर्मी स्ट्रेचर लेकर मदद करने के लिए नहीं आया। मृतका किशोरी सोहस राय थाना क्षेत्र के आशा नगर मोहल्ला निवासी अशोक पासवान की पुत्री गुड़िया कुमारी थी। मृतका के पिता ने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि उसने ढंग से इलाज नहीं किया, इस कारण उसकी बेटी की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि डायरिया जैसी मामूली बीमारी भी जिले के सबसे बड़े सदर अस्पताल के डॉक्टर संभाल नहीं सके और इसके बाद उनकी बेटी को पावापुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अगर मामूली बीमारी में भी मरीज को रेफर किया जाएगा तो यहां के डॉक्टर की दक्षता पर सवाल तो उठता ही है। इधर किशोरी के पिता के आरोपों को निराधार बताते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र ने बताया कि किशोरी का लक्षण के आधार पर इलाज किया गया, दवाई भी दी गई, लेकिन जब उसकी स्थिति गंभीर होने लगी तो उसे विम्स रेफर किया गया, लेकिन बच्ची के परिजन ले जाने को तैयार नहीं हुए। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि अस्पताल में ना तो एम्बुलेंस की कमी है ना ही स्ट्रेचर की। हालांकि अस्पताल परिसर व वार्ड में फैली गंदगी के सवाल पर डॉक्टर ने बताया कि सफाई कर्मी हड़ताल पर है। अब ये बहाना कहां तक उचित है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर है लखनऊ की। सिविल अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से हुई मौत, मचा हड़कंप। हजरतगंज के पार्क रोड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में मोतिया बिंदु के ऑपरेशन के बाद एक महिला मरीज की मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। परिवार के लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों को किसी तरह समझाया बुझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ और परिजनों ने मामले की लिखित शिकायत की। परिवार के लोगों का कहना है कि महिला पूरी तरह से ठीक थी, सिर्फ मोतिया बिंदु का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन होते ही मरीज की मौत कैसे हो गई? अलीगंज निवासी 35 साल की मुन्नी देवी मोतिया बिंदु की शिकायत होने पर ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती हुई थी। महिला का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टरों ने उसे आई वार्ड में शिफ्ट कर दिया। इस दौरान अचानक मरीज की तबीयत खराब होने लगी। वार्ड में डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मरीज ने दम तोड़ दिया। आरोप है कि डॉक्टर की ओर से लापरवाही बरती गई, इसीलिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ऐसे डॉक्टर्स अपनी लापरवाही पर ध्यान दें और फिर किसी की जान न जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।